जब ये अपना वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा था एंड सरफराज अहमद वॉज द कैप्टन ऑफ ओडिया बोथ तो उसमें ये हो रहा था कि एक तो जब दो लोगों के ऊपर ये हुआ पी एस एल में एक हुआ है अपना मोहिन <coughs> खान के बेटे आजम खान के ऊपर एंड hmm. uh, <coughs> ये हुए सरफराज अहमद के ऊपर के दोनों के ऊपर प्रोमिनेंटली बाकी क्रिकेटर्स के भी ऊपर भी हुआ है कि पीपल है यार ये मोटा है ये सांड है तो व्हाट विल uh, इसको विकेट कीपर और कैप्टन बना दिया ये क्या करेगा जाहिर mm. हाँ. uh, <coughs> सी बात है आज कल के हमने देखा है करेंट बॉडी टाइप्स नहीं करते नॉर्मली नहीं करेंगे mm. सही अगर वो नॉर्मल बंदा होता ना मैं छोड़ देता लेकिन स्पोर्ट्स मैन ही

ठीक है उनका नाम भी रखा हुआ था आलू आलू अल्लाह रहम करे बोलते थे उनको तो उस आलू, आलू, आला, आलू 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 या अल्लाह अल्लाह रहम करे नहीं अल्लाह रहम करे तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा। बिकॉज मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी uh, मुझे बहुत बुरा लगता था उस दौर में भी आई वॉज अ चाइल्ड आई टू हेयर पीपल कॉलिंग हम नेम्स इवन इन स्टेडियम के अंदर आपको शायद याद हो पता नहीं हो इंडिया में उनका एक पड्डा भी हो गया था जिसमें वो क्राउड के अंदर चले गए थे बिकॉज जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो क्राउड पीछे जो था वो उनको आलू आलू के नाम से पकार रहा था तो ही वेंट हीचुअली इनसाइड द मॉप ठीक है इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी नहीं था वहाँ जाके और उसने बंदे को कन्फ्रंट किया तो उससे पहले भी जावेद मिजाज साहब के साथ उनकी जबान की वजह से थोड़ा सा जो आ,

और इसमें तो कोई दो राय नहीं है mm. इसमें तो कोई बात ही नहीं है इसमें आर्गूमेंट देने वाली बात ही नहीं mm. है लेकिन हाँ इसकी दो चीज़ें हैं एक तो आपने बात बिल्कुल सही बोली कि अगर बंदा एक इंटरनेशनल लेवल पर किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको और वो स्पोर्ट है रिप्रेजेंट वो किसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट में नहीं कर रहा है ही इज़ नॉट अ पेंटर ठीक है ही इज़ अ स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स मैन ऑफ अ वेरी बेडी चैलेंजिंग स्पोर्ट विच इज़ क्रिकेट एंड देन अगेन क्रिकेट में जो सबसे टफ जॉब होती है ना वो विकेट वो विकेट कीपर की है बेचारे की और दोनों विकेट कीपर ही हैं हाँ तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि उन, और उन्होंने किया भी है अभी रिसेंटली उनसे मुलाकात भी हुई थी एक इवेंट पे तो इट वाज रियली हार्ड टू रिकोगनाइज हिम बिकॉज ही रियली वर्क हार्ड ऑन हिमसेल्फ

इट सही hmm. है मुझे भी लोग कहते हैं कि यार चला तो मोटिव सही है लेकिन अब तुम तो मोटिव क्रिकेट कोई स्पोर्ट्स करना चाहते हो hmm. तो मैं मुझे अब रियलाइज हो गया यार मैं कुछ कर रहा हूँ hmm.